बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। अच्छा, बहुत थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, आप कोलाजन बिल्डर को लेंगे क्यों? Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा कोलाजन बूस्टर का 2 months अपडेटेड रिव्यू। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1 month के बाद ये अपडेटेड रिव्यू शेयर करूंगी, लेकिन 1 month के बाद मेरा जो कंटेनर था वो खत्म नहीं हुआ था। सो जब खत्म हुआ तो 2 months के बाद देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू। और बहुत सारे मुझे इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी मैंने ओजीवा कोलाजन बूस्टर के ऊपर एक डिटेल में रिव्यू शेयर किया था, जब 2 to 3 weeks इस्तेमाल मैं कर चुकी थी उस टाइम ही मैंने रिव्यू शेयर किया था। तो अगर आप डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज मैं आप लोगों को डिटेल में रिव्यू नहीं बताने वाली हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को जो 2 months का मेरा एक्सपीरियंस था, क्या ये जेन्युइनली वर्क करता है कि नहीं, ये सब मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यूजिंग दिस वन, सो सब कुछ मैं शेयर करूंगी। सो काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ये जो कंटेनर है मेरे पास ये पूरा खाली है, सो मैं आप लोगों को जो एक्चुअली पाउडर है वो मैं नहीं दिखा सकती, वो आप मेरे जो रिव्यू वीडियो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि कोलाजन किसको लेना चाहिए, कोलाजन एक्चुअली है क्या, आप कोलाजन बिल्डर को लेंगे क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाजन हमारे स्किन को टाइटन करने के लिए हेल्प करता है। जो एजिंग साइंस हमारे स्किन में दिखती है, जैसे कि सैगिंग स्किन या फिर रिंकल्स होने लगते हैं, तो हम लोग एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह तो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर हम लोग इंटरनली कुछ कंज्यूम करते हैं तो कोलाजन जैसे सप्लीमेंट्स सेलिब्रिटीज वगैरह बहुत लोग लेते हैं, तो इसी तरीके का कोलाजन सप्लीमेंट्स अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा, अंदर से वो बेनिफिट हमें मिलेगी। सो स्किन बहुत ज्यादा टाइटन हो जाता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है, एजिंग साइंस को हम डीले कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं ओजीवा कोलाजन बिल्डर का रिव्यू शेयर करूँ। बेसिकली मैं ओजीवा के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करती हूँ और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। कोलाजन पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, स्पेशली वेडिंग सीजन है इस टाइम, तो 2-3 महीने पहले से ही मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ब्राइड्स हैं जो कि वेडिंग से पहले इसे लेना चाहती थी। मुझे पर्सनली भी डीएम किया है आपने से बहुत लोगों ने, आप कभी भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी डीएम भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। आप ऐसा हाय हेलो मत लिखिए, आप जस्ट पहले ही अपना जो क्वेश्चन है क्वेरी है वो लिख दीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ हमेशा। सो ये कोलाजन बिल्डर मैंने उसी पर्पस के लिए, रिव्यू शेयर करने के लिए ही मैंने इसे ट्राई आउट किया था। ओजीवा का प्रोडक्ट मैं जब ट्राई आउट करती हूँ मुझे कोई ऐसा डर नहीं लगता कि साइड इफेक्ट्स वगैरह होंगे, ऐसा कुछ। मैंने इसे लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना वो बेरी ऑरेंज फ्लेवर है, आप लोग देख सकते हैं ये जो बेरी ऑरेंज फ्लेवर है, तो बेरी ऑरेंज फ्लेवर मतलब क्या, ये थोड़ा सा सिट्रसी एंड लेमन जैसा इसका फ्लेवर होगा, इसका टेस्ट होगा और इसका फ्रेग्रेंस भी वैसा ही होगा। तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही टैंगी सा लेमन जैसा इसका टेस्ट है, तो मुझे थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसी वजह से ना ये मुझे पहले जो था शुरुआत में मैं 2 scoops करके पहले दिन मैंने ले लिया था, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो आई थॉट कि नहीं इसका जो डोज है ना, इसका जो क्वांटिटी है वो मैं कम कर देती हूँ। तो फिर मैंने हाफ इसका जो चम्मच है उसे हाफ मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 week तक मैंने हाफ लिया, उसके बाद मैंने 1 scoop लेना स्टार्ट किया, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 1 scoop ही कंटिन्यू किया, मतलब मैं हर रोज 1 scoop लेती थी, पानी में मिक्स करके पीती थी। तो ऐसे ही ना मुझे 2 weeks या 3 weeks के बाद थोड़ा सा साइंस दिखने लगे, थोड़ा सा रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, मतलब मुझे फील हुआ कि हाँ कुछ हो रहा है। एक्चुअली अब देखिए मेरा जो अभी एज है उसमें मुझे रिंकल्स या सैगिंग स्किन की साइंस तो नहीं है, जस्ट मेरी फेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होने लगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ। जब मैं इसे कंटिन्यू यूज कर रही थी 1 month के बाद या 1.5 महीना हो गया था, उस टाइम ना मैं सिर्फ क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ही कर रही थी, मतलब जो मेरा CTM रूटीन है वही, जो फेस पैक्स एंड शीट मास्क जो एक्सटर्नली हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करते हैं उसकी कोई जरूरत ही मुझे नहीं लग रही थी। एंड अभी मैं उतना ज्यादा केयर भी नहीं करती अपनी स्किन का, क्योंकि इससे ना मुझे
काफी हद तक बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप गोरे हो जाओगे, ये क्लेम भी नहीं करता और ऐसा भी नहीं है, जस्ट आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइटन हो जाती है, इसी वजह से सॉफ्ट एंड स्मूथ फील होता है। मेकअप अगर आप करते हैं ना तो मेकअप भी बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है टाइटन स्किन पर, लेकिन ये आपको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना होगा। सो अब देखिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह पर मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं हर वीडियोस में ही बोलती हूँ कि जो भी आप कंज्यूम करेंगे या अपने फेस पर लगाएंगे आप पहले एक बार इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक कीजिए कि आप कोई इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक तो नहीं है। तो मैं किसी भी चीज से एलर्जिक नहीं थी, दैट्स व्हाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुई। डायरेक्शंस में यहाँ पर लिखा है कि 2 स्कूप्स आपको मिक्स करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको 2 स्कूप्स ही मिक्स करना है, आप उससे कम भी मिक्स कर सकते हैं, आप उससे कम भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपको लेमनिश या टैंकी से ऐसा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप 1/2 स्कूप करके इनिशियली स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप 1 स्कूप करके लीजिए। अगर आप बायोटिन पाउडर लेते हैं ओजीवा का बायोटिन पाउडर, तो बायोटिन का भी थोड़ा सा टैंगी सा टेस्ट है लेकिन उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि लेमनिश सा सिट्रसी टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका टेस्ट एक अलग ही, एक अलग से ड्रिंक जैसा मुझे लगता है, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेमनिश सा है, मतलब बायोटिन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा अलग है, जैसे खट्टा लेमन जैसा इसका टेस्ट है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट भी शो करता है, और मैं डेफिनेटली इसे मेन को भी रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ज्यादातर मेन वो अपनी स्किन को टेक केयर ज्यादा करते नहीं है, मतलब क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग भी हर रोज नहीं करते, तो आप अगर इसको इंटरनली इंटेक करते हैं तो आपका स्किन अंदर से एकदम फ्लॉलेस रहेगा, तो ज्यादा आपको एक्सटर्नली टेक केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ब्राइडल आप ब्राइड है और आपकी 2-3 महीने बाद शादी है तो आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं थोड़ा सा स्किन को एकदम फ्लॉलेस और टाइटन दिखाने के लिए, बट अगर आपकी एज 20 इयर्स के बिलो की है तो आप इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, अगर आपकी एज 20 इयर्स से अबव है देन आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और या आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज के आंसर्स दे दिए हैं, अगर फिर भी मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, और मैंने जिस वेबसाइट से और जहां से भी मैंने प्रोडक्ट को परचेस किया था वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप प्लीज 1 मंथ या 2 मंथ अपडेट शेयर कीजिए, तो मुझे लगा कि चलो कंटेनर पूरा जब खत्म हो जाए उसी टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर मैं 1 स्कूप्स ले रही थी तो मैं जो रिकमेंडेड डोज है उससे मैं कम ही ले रही थी, तो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दिखने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट वगैरह है वो मैं देखती हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।